अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज हम बनाएंगे डोरा केक्स। किड्स का बहुत ही फेवरेट है और एक इजी लंच बॉक्स आइडिया भी है। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देना चाहें तो बहुत सिंपल और इजी है। इसके लिए सबसे पहले हम 4 अदद अंडे लेंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और अब अंडों को हम बीट करेंगे। 1 मिनट के लिए हम हल्का सा बीट कर लेंगे। अगर आप हैंड वेस्ट से कर रही हैं तो 3 मिनट के लिए आप इसे बीट कर लें। एक मिनट हो चुका है, हल्का सा ये बीट हो चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे फाइन शुगर ले रही हूँ, यानी कि बारीक चीनी। अगर आप चाहें तो आप पाउडर शुगर भी ले सकती हैं 1 कप, या फिर टेस्ट के हिसाब से। और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसी तरह हम इसे बीट करते जाएंगे। हैंड विस्क से अगर आप करेंगे तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से फ्लफ़ी और पेल होने में। और अगर आप हैंड बीटर से करेंगी तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। क्योंकि ये किड्स का फेवरेट है तो मेरे किड्स हेल्प कर रहे हैं मेरे साथ ये बनाने में। इसी तरह हम इसे मुसलसल बीट करते जाएंगे और 5 से 6 मिनट हम इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये मेरा बेटा इसे बीट कर रहा है अच्छी तरह, और ये आप देख सकती हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो गया है। अब हम इसमें हनी यानी कि शहद शामिल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पैनकेक्स में। 2 टीस्पून हम इसमें हनी ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें आल पर्पस फ्लोर शामिल करेंगे। आल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा मैं टोटल 1.5 कप लूँगी। पहले मैं 1 कप इस तरह करके लूँगी और इसमें से 1 टेबलस्पून हटा दूँगी लेवल करके। 1 टेबलस्पून हम इसमें से निकाल लेंगे, ऊपर से लेवल करके हम इसमें से 1 टेबलस्पून फ्लोर यानी कि मैदा हटा देंगे। इस तरह ये आप देख सकती हैं छुरी की मदद से मैंने इसे लेवल कर लिया है। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें से हटा दिया है और इसी 1 टेबलस्पून से मैं इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। और अब हम इसे सिफ्ट करेंगे। इस तरह छलनी में से हम इसे सिफ्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसे सिफ्ट करते जाना है और हमने इसे मिक्स करते जाना है। मैं हैंड बीटर से ही इसे करूँगी लो स्पीड पर। ये आप देख सकती हैं बिल्कुल फर्स्ट पर मैंने इसका बटन ऑन कर दिया है। और लो स्पीड पर हम इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो फ्लोर है वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें फ्लोर शामिल करते जाएंगे और हम इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो ये 1 कप फ्लोर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मज़ीद 1/2 कप शामिल करेंगे। तो 1/2 कप में 1/2 टेबल स्पून फ्लोर यानी कि मैदा हटा के 1/2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके हम इसे छान कर इसी में शामिल करेंगे। यानी कि वो 1 टेबल स्पून हमने किया था 1 कप में, तो ये हम 1/2 टेबल स्पून करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। टोटल 1.5 कप हो जाएगा। और जो बेकिंग पाउडर है वो 1.5 टीस्पून और कॉर्नफ्लोर हमारा 1.5 टेबल स्पून हो जाएगा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए या 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथों से इस तरह करके आपने इसे बीट कर लेना है। हाई स्पीड आपने नहीं रखनी, हैंड विस्क से भी आप इसे कर सकती हैं, इजीली हो जाता है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैं 1 कप यहाँ पे दूध ले रही हूँ और इसमें मैं 3 टेबलस्पून बटर यानी कि मक्खन शामिल करूंगी और दूध को
हल्का सा गरम करेंगे ताकि मक्खन पिघलना शुरू हो जाए। मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए ताकि ये जल्दी पिघल सके। इसी तरह दूध में हम डाल लेंगे 3 चम्मच, 3 खाने के चम्मच मक्खन। और अब हम इसे गर्म करेंगे। दूध को हमने बहुत ज़्यादा उबाल कर गर्म नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसे गर्म कर लेना है, यानी कि नीम गर्म, ताकि बटर इसमें पिघलना शुरू हो जाए। बटर इसमें पिघल जाए तो अब हम इसको ऐड करेंगे मिक्सचर में। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सर में ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। स्पीड हमने 1 पर ही रखनी है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐड करते जाएंगे और केक से थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी पतली होती है, इसकी थोड़ी सी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ताकि ये इजीली स्प्रेड हो सके, इसको हम पैन पर बनाते हैं यानी कि तवे पर बनाते हैं तो ये इजीली स्प्रेड हो जाता है, तो इस वजह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली ही रखनी है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है और ये बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसमें से पेनकेक्स बनाएंगे। पेनकेक्स बनाने के लिए हम एक नॉनस्टिक तवा या फिर फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसे हम मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। हाई हीट पर आपने इसे गर्म नहीं करना। अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर किचन टॉवल या फिर ब्रश की मदद से हल्का सा ऑयल भी लगा सकती हैं। अब हम इसके ऊपर बैटर ऐड करेंगे। बैटर में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऐड करी हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा इसके ऊपर डाल सकती हैं, जितना जितना बड़ा या फिर छोटा आपको पैनकेक बनाना हो तो उसी हिसाब से आप इसके ऊपर इस तरह करके डाल लें। और लो हीट पर हमने इसे कुक करना है। जैसे ही बबल्स आने शुरू हो जाएँ तो हमने इसकी साइड टर्न कर लेनी है। दोनों साइड से हमने इसे लो टू मीडियम हीट पर ही बनाना है। हाई हीट आपने बिल्कुल भी नहीं रखनी। तो ये एक पैनकेक हमारा बन गया है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ये आप देख सकती हैं लो टू मीडियम हीट पर हमें ऐसे कुक करी हूँ और जैसे इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो जाते हैं तो हम इसकी साइड टर्न कर लेते हैं। इसी तरह करके 1 बाय 1 हम सारे पैनकेक्स बना लेंगे और इसे साइड पर रखते जाएंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप एक दिन पहले बनाकर रख सकती हैं। इसे एयरटाइट बैग में आप रख लें, जो फ्रीज़र बैग्स मिलते हैं तो उसी प्लास्टिक के बैग्स में आप रख लें इसे, और जब भी आप बनाना चाहें तो इसमें न्यूट्रेला की स्टफिंग करके आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं। तो ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर न्यूट्रेला लगाएंगे, कम या ज़्यादा ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगा सकती हैं, जितना बच्चों को पसंद हो। तो इसी तरह हम न्यूट्रेला की इसमें स्टफिंग करेंगे और दूसरा उठाकर इसके ऊपर रखेंगे और प्रेस करते जाएंगे साइड से। इसी तरह हम सारे बना लेंगे और एक जो ये मैं बना लिया है मैंने, ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारे न्यूटेला स्टफ पैनकेक्स तैयार हैं, जिसे डोरा केक्स भी कहते हैं, बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।